HDW स्मार्ट यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सेव और गठिया बनने के लिए बताऊंगा किस तरह से बनता है। और मैं एक सासे का अनबॉक्सिंग कर रहा हूं, तो उसी का रिलेटेड वीडियो है, तो आप लोगों को वो अनबॉक्सिंग को सच्चा दिखाऊंगा कि किससे आप सस्ते रेटों में आप सेव बूंदिया बनाने का मशीन ले सकते हैं और वो कैसा बनता है। आप लोगों को टोटल जानकारी दूंगा और दिखाऊंगा कि कैसा बन रहा है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देख सकते हैं कि हम कितने यहाँ पे थोड़ा सा बेसन लेते हैं और बेसन थोड़ा सा लेने के बाद में एक थोड़ा सा कटोरी में थोड़ा सा नमक मिलाएंगे। अगर आपके पास हो तो थोड़ा सा हींग मिला ले। हींग मिला लेने से थोड़ा सा स्वाद बढ़ जाएगा आपका, देखिए। और थोड़ा सा पानी में डालकर उसको अच्छे से उसको मलिए और इस तरह से आटा गूंथता है थोड़ा थोड़ा। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग किस तरह से इसको बनाया जा रहा है। और इसको बनाने के बाद में आप देखिए उस सांचे में आप पैक कीजिए, और पैक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे पूरी तरह से डाल लीजिए भरकर भर। हाँ, ये थोड़ा सा मशीन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ये है कि मतलब उतना जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन घरेलू यूज के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको अच्छे से इसमें पैक कर लेते हैं। हम थोड़ा सा ही आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए ही इसको यूज कर रहे हैं, ज़्यादा ही तो नहीं कर रहे हैं। तो इसको अच्छे से बैठा लेते हैं। इसको बैठा लेने के बाद कढ़ाई में तेल डालेंगे और तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। उतना भी तेल ना गर्म होना चाहिए कि लहकने लगे। देखिए थोड़ा सा इसमें आज ज़्यादा हो गया है। चलिए इसको हम अब तेल खोल रहा है, खोलने तरह इसी तेल में हम इसको देखिए क्लच की तरह दाब जा रहा है और सेव निकल रहा है। ये जो सेव के आकार में सेवई टाइप में जो निकल रहा है, देखिए इसमें निकलने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा लाल होगा। और इसको थोड़ा सा चला दीजिए, ये ज़्यादा ध्यान दीजिए कि ज़्यादा लाल ना हो। एक बार में तो देख सकते हैं कि हम निकाले हैं, थोड़ा लाल हो गया ज़्यादा। ध्यान रखिए आज ज़्यादा हीट ना हो। और इसको दोबारा निकालते हैं, देखिए इसी तरह इसको चलाते हैं और इसको निकाल के आपको दिखाते हैं किस तरह का ये बन रहा है। स्वाद भी बताएंगे किस तरह का स्वाद है। इसमें ज़्यादा कुछ डाला हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी दुकान का जो है दुकानदार जो बताए हैं वहाँ पर सिर्फ नमक और बेसन डाला हुआ है। देखिए दोस्तों कैसे हम लोग का बन रहा है। कढ़ाई में इसको आसानी से इजी तरीके से सेव गठिया जो बन रहा है यह आसानी से निकल जाता है। अलग अलग शेप का इस मशीन में दिया हुआ है जो बहुत ही मतलब कि अच्छा बन रहा है। घरेलू यूज के लिए बहुत ही अच्छा है। दुकान के लिए हम ये कह नहीं कहेंगे, आपको सलाह नहीं देंगे कि दुकान के लिए आप इसका यूज करें। देखिए ये कढ़ाई में इसको थोड़ा सा हल्का लाल होने के लिए छोड़ते हैं तब तक के लिए, जब तक ये हल्का सा तुरंत ही लाल हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा आँच है। आप इतने आँच नहीं, थोड़ा स्लो आँच इसको बनाएं। देखिए अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये बन के जैसे ही तैयार होगा तो आप लोग देखिएगा किस तरह का कलर होगा। आप अपने हिसाब से इसको कम बेसी आँच करके बना सकते हैं, नमक स्वादानुसार डालें। और इसमें देखिए जो मेरा मशीन में थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसका निकालते हैं। हाँ, ये मशीन जो है थोड़ा ज़्यादा, इसमें ज़्यादा आइटम लगाना था जो थोड़ा कम हुआ है। देखिए अब इसमें इसको पहले निकाल लेते हैं, इस साइड से जो है इसको पहले निकालते हैं और निकालने के बाद इसको हटाते हैं यहाँ से। जो थोड़ा लेट से डाला हुआ है गठिया वो चला रहा है, उसको थोड़ा चला देते हैं इस साइड से, जले ना, लाल ना हो। और देखिए इस तरह से इसको आप बनाइएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कीजिएगा, हम फिर से पूछ के बताएंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या यूज करना चाहिए, कैसे नहीं क्या नहीं करना चाहिए। देखिए मिस्त्री साहब खुद ही पहले खा के चेक किए हैं और बताइए स्वाद कैसा है आपका। हाथ के बना हुआ है ठीक ठाक है, बहुत सुंदर है। ओके खाते हैं पहले और खा के खुद बताएंगे किस तरह का है, किस तरह का है। सुपर सुपर। चलिए इसका क्या नाम है, इसका अब क्या बना है, कौन सा गठिया है इसका, गठिया नाम है ठीक है। नंबर वन में सेव है, सेव है इसको हम लोग बिहार में सेव बोलते हैं इसको। इसको अच्छा किया जाए, देखिए यही मशीन है, इसमें डाल के हम लोग ऐसे घुमा कर और दे दिया चलाने का मिस्त्री को। बनाने के बाद में चलिए एक और व्यक्ति से इसको खिला कर पूछते हैं किस तरह का बना हुआ है, स्वाद में किस तरह का है। ये अब बना है सेव और गठिया, किस तरह का लगता है पूछते हैं, आप खाइए और बताइए कि किस तरह का लग रहा है।
भी फ्राई कर लेते हैं। किस तरह का स्वाद कैसा है? ठीक है।